चीन को भारत चौतरफा घेरने में लगा हुआ है। इस बार भारत ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाई है। भारत ने टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। भारत सरकार ने इन ऐप्स पर डेटा चोरी और राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बैन का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि भारत ने ऐसा करके चीन पर दबाव बढ़ा दिया है। भारत ने ये आरोप लगाया है कि चीन के ये ऐप्स यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि चीन पर ऐसा आरोप सिर्फ भारत ने ही लगाया है, बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी चीन पर साइबर अटैक का आरोप लगाते रहे हैं। अब जब भारत ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे चीन को बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। अकेले टिकटॉक के बैन होने से ही कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए का घाटा लगने का अनुमान जताया जा रहा है। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। पिछले 5 साल में चीनी कंपनियों द्वारा स्टार्टअप्स में करीब $8 बिलियन का निवेश किया गया है। भारत पिछले 3 साल में दुनिया में चीन के बाद सबसे ज़्यादा ऐप डाउनलोड करने वाला देश है। चीन मोबाइल ऐप्स पर $48 बिलियन खर्च करता है, जिससे चीन 40% रेवेन्यू जनरेट करता है। गौरतलब है कि भारत में अभी जितने ऐप डाउनलोड होते हैं, उसमें से आधे ऐप्स चीन के हैं। अभी मार्च से मई 2020 के बीच जितने भी ऐप डाउनलोड हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाले चीनी ऐप हैं। भारत सरकार ने जिन 59 ऐप्स पर बैन लगाया है, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है टिकटॉक। भारतीय यूजर्स ने टिकटॉक पर साल 2018 के मुकाबले साल 2019 में 6 गुना ज़्यादा समय बिताया। आंकड़ों की माने तो 2019 में भारतीयों ने 5.5 अरब घंटे टिकटॉक चलाया। दिसंबर 2019 में टिकटॉक के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 81 मिलियन थी। दिसंबर 2018 के मुकाबले ये 90% की बढ़ोतरी है। चीन की कंपनी टिकटॉक के लिए भारत चीन से बाहर सबसे बड़े मार्केट के रूप में उभर कर सामने आया है। बात करें फेसबुक की, तो साल 2019 में इस पर भारतीयों ने 25.5 अरब घंटे बिताए। इससे पहले साल के मुकाबले ये सिर्फ 15% की ग्रोथ है। इसके साथ ही दिसंबर 2019 में इसके मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या में भी 15% की ही बढ़ोतरी हुई। यानी टिकटॉक की ग्रोथ रेट भारत में फेसबुक से कहीं ज़्यादा है। अक्टूबर से दिसंबर 2019 के बीच महज 3 महीनों में टिकटॉक ऐप से कंपनी को 25 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जबकि इस साल टिकटॉक ने जुलाई से सितंबर के बीच 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू का लक्ष्य रखा था। टिकटॉक के अलावा शेयरइट, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, हेलो, लाइकी, बी चैट, बीगो, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर जैसे ऐप के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार था। अधिकतर ऐप्स का यूजर्स बेस करोड़ों में था और इनकी खूब कमाई भी हो रही थी। यूसी ब्राउज़र देश में गूगल क्रोम के बाद सबसे बड़ा ब्राउज़र बन गया था। जानकारों का मानना है कि सरकार को ये कदम बहुत पहले ही उठाना चाहिए था। इन ऐप्स के जरिए भारतीयों का व्यक्तिगत और वित्तीय डाटा सीधे चीन की सरकार के पास पहुंच रहा था। इन कंपनियों के सर्वर चीन में मौजूद हैं। ऐसे हालात में इन ऐप्स से देश की सुरक्षा ज़्यादा खतरे में है। सरकार के इस फैसले से टिकटॉक स्टार भी खुश हैं। इनका मानना है कि पहले देश है, उसके बाद ही कुछ और। सरकार ने इस फैसले से जहाँ चीन को सख्त संदेश दिया है, तो वहीं इससे भारत में मोटा मुनाफा कमाते हुए यूजर्स डेटा से खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन 59 ऐप्स से चीन को कम से कम 1000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होने वाला है।